ओम मैं जयशंकर पतंजलि पीठ हरिद्वार ईश्वर की कृपा से ऋषि मुन का खोसे परम पूज्य गुरु स्वामी जी महाराज परम आयुर्वेद श्री मुनि आचार्य श्री जी कृपा से हम अलग अलग बीमारियां एक कुपोषण द्वारा प्राणायाम द्वारा सूक्ष्म व्यायाम द्वारा ठीक कर सकते हैं। और मैं बोलना चाहता हूं जिनका दर्द रहता है यहाँ है कहीं भी दर्द है तो जहाँ दर्द है पहले इसका चारों तरफ दबा दो। जैसे इनका यहाँ दर्द था तो मैंने इनको क्या किया ये एरिया में दबाया जहाँ दर्द करे इसे 80-90-100 बार दबा दोगे। पेंसिल पेड़ लकड़ी कोई भी गोल वाला चीज से दबाना है। लंबा सांस लो छोड़ो दबाते पानी पिला के दबाओगे लेकिन दबाने का आधा घंटा तक पानी नहीं पीगा खाना नहीं खाना। खाने का 2 घंटा बाद भी दबा सकते हैं फिर यहाँ दबा देना जहाँ दर्द करेगा इसे 80-90-100 बार दबाओ। फिर इसी प्रकार दबाने के बाद ये वाला भी दबा दो ये वाला दबा दो। ये दबा देने के बाद फिर ये चैनल जो गया है ये चैनल कैसे दर्द करेगा ये इनको दबाओ। ये चारों तरफ से जो चैनल है दबा दो सांस लो छोड़ो दर्द करेगा। जैसे आप पकड़ो इसको आप पैर दिखाओ इनको दबाओ इनको दर्द कर रहा है इनको क्यों नहीं किया ना इनको बीमारियां नहीं है यहाँ भी दबा के देखो। तो जिनका बीमारी है दर्द करेगा जिनको नहीं है दर्द नहीं करेगा इतना ही बातें हैं। बच्चों को भी दर्द करेगा जो बीमारी है नहीं है तो नहीं करेगा। तो इसी प्रकार इनको दबाओगे इसमें डरना नहीं है कुछ नुकसान नहीं है। ऐसे सौ बार दबाना ये वाला भी दबा दोगे इससे ये वाला दर्द ठीक हो जाता है। यदि हाँ एक कोई डॉक्टर जरूर नहीं कोई किसी को जरूर नहीं इसे दबा दोगे आराम मिल जाएगा। फिर ये चैनल भी दबा दोगे ये वाला भी दबा दोगे आराम मिल जाता है। यदि इससे नहीं जाता है दूसरा एक रास्ता भी है ऐसे तो ठीक हो जाता है नहीं दूसरा भी रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या है ये दाएं पैर के लिए ये एरिया के लिए यहाँ दबाओ यहाँ पॉइंट मिलेगा दाएं पैर के लिए यहाँ मिलेगा। आप यदि ये चैनल में दबा देते हो जैसे मैंने अभी दिखा रहा हूँ देखिए कहाँ दर्द करेगा यहाँ दर्द है इनको दबाओगे ये 100 बार 80 बार दबा दो। फिर एक दूसरा जाके वो दर्द करेगा ये वाला ये मैच बॉक्स का स्टिक जो होता है आंख पेटी का स्टिक बस तीली जिसको बोलते हैं इससे दबा दो छोटा वाला कोई भी जिमी से दबा दो गोल वाला चीज से आंख पेटी स्टील में जहाँ जहाँ दर्द करेगा दबा दो 100-100 बार दबा दो। इनका देखो मैंने यहाँ दबा रहा हूँ यहाँ दर्द हो रहा है क्या यहाँ नहीं हो रहा है क्योंकि इनका ये दूसरा बीमारी का पॉइंट है यहाँ नहीं है। इनका दाएं पैर का जो ये यहाँ से यहाँ तक कहीं भी दर्द हो तो ये वाला दबा दो जहाँ जहाँ दर्द करेगा ये भी एक दिन में ठीक होता है यहाँ दबा दो जहाँ जहाँ दर्द करेगा। फिर इसी तरह ये भी दबा दो ऐसे दबा दो फिर ऐसे दबा दो ये वाला ये जो भी दबा देते हैं ऐसे साल भर का दर्द एक दिन में भी ज़्यादातर लोगों का ठीक हो जाएगा। तो ये जैसे मैंने बोला ये होता है आपका टकना का नीचे वाला दर्द के लिए ये वाला टकने से ऊपर वाला दर्द के लिए ये वाला दबाओगे चैनल और घुटने से ऊपर वाला तक दर्द के लिए ये वाला दबाओगे ये होता है दाएं पैर के लिए। इसी तरह दाएं पैर के लिए ये वाला पैर को दिखाओ ये उंगली ये वाला जो मध्यमा है जो हाथ पे है मध्यमा इसमें मध्यमा में दर्द करेगा ये वाला ए इनको दबा दोगे ये वाला इनको दबाओगे 100-100 बार जहाँ दर्द करेगा। फिर इसी चैनल में यहाँ भी दर्द करेगा ढूंढोगे पहले धीरे धीरे पास में लीजिए धीरे धीरे लोग जहाँ दर्द करेगा इनको दबाओगे ये वाला जहाँ दर्द करेगा इनको दबा दो 100-100 बार दबा दो 80-90-100 बार इसमें नुकसान कुछ नहीं है। फिर यहाँ दबा दो जहाँ दर्द करेगा ये दाएं हाथ के लिए मध्यमा का यहाँ को दबाओगे तो यहाँ से दर्द ठीक हो जाएगा। बाएं पैर में उसी दर्द का लिए जो कि ठीक नहीं होता है तो बाएं हाथ का बाएं पैर का ये वाला अनामिका दर्द करेगा ये वाला इसका पॉइंट यहाँ भी है ये दर्द क्या ये भी ढूंढोगे धीरे धीरे जान रहा दबाओगे फिर इसी तरह भी ढूंढोगे ये वाला भी ढूंढोगे जो ये हम दबाते हैं ये वाला अनामिका सेम चीज अनामिका ये हाथ में भी है ये वाला ये पैर के लिए वो हाथ दिखाओ ये पैर के लिए दाएं हाथ का मध्यमा दाएं पैर का मध्यमा बाएं हाथ का अनामिका और बाएं पैर का अनामिका इस तरह को पैर के लिए बाएं हाथ का मध्यमा बाएं पैर का मध्यमा दाएं पैर का अनामिका और ये पैर का अनामिका ये दबाते हैं ये सेट के ठीक हो जाता है।
ये है आपका जंघा का पास, माने यहाँ यहाँ जो यहाँ से दर्द, यहाँ से घुटना तक। फिर ये वाला जो है ये होता है घुटना से ये टकना तक, और टकना से नीचे वाला कहीं भी दर्द हो, चाहे नीचे तलवा में उंगलियां में है ये दर्द, ये दबा दोगे तो। मैंने देखा 2 साल 5 साल 10 साल का दर्द भी एकदम ठीक होता है। अभी मैं पूछ रहा हूँ आपका नाम क्या है भाई जी? बाला साहेब दत्तेराव कदम। कहाँ से हो? महाराष्ट्र। कौन सा जिला? परभणी। परभणी। गांव का नाम क्या है? धारासुर। ये कितना दिन से दर्द था? 15 साल से। 15 साल से। अब कैसा है? चल के बैठ के मुड़ के देखो, मेरे को ऐसा बैठना आता नहीं था ऐसे। अब ठीक है? अब ठीक है, मैं ऐसा रुमाल झुमर कुछ भी लगा लगा के बता दे। तो मैंने दर्शकों को सुझाव दूंगा, जैसे मैंने पहले रास्ता दिखाया, पहले रास्ता जैसे इससे दबाने वाला दिखाया, जो देख से दबा दिया ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो इस छोटा वाला जिमी से बस तिल्ली से बा मैच बॉक्स स्टिक से, जो हम इस साइड का पैर के लिए ये वाला दबाते हैं मध्यमा दोनों का और उधर का अनुमका करते हैं, उससे भी ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो हम यदि ऐसे करेंगे तो इससे भी हम साल भर का दर्द, जैसे इनका 15 साल का दर्द ये बोल रहे हैं ठीक हो गया, ऐसे मैंने देखा 2 महीना 4 महीने से 15 साल का दर्द भी एक दिन में भी ठीक हो जाता है, ऐसे भी करके कर लें। और औषध दर्शन किताब में जो लिखा है नहीं खाना पत्ते वाला संधिवाद अहमदाबाद में, वो आइटम ना खाएं। औषध दर्शन किताब पतंजलि का लिखा है पानी ज़्यादा पिए, बैठ के पानी पिए, तो इससे भी हमारा ये दर्द भी ठीक होता है। सभी को ओम प्रणाम। अरे दिक्कत भाई जी, नाही यांनी आम्हाला चालण्यामध्ये आम्हाला शिकवलं आणि आपल्या इकडे आलेले।